हमारे साथ आज है राही भिड़े जी, जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है महाराष्ट्र की, देश की, और पुण्या नगरी अखबार की चीफ एडिटर है। एक बहुत बड़ी बात है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में मराठी पेपर की मतलब एक महिला संपादक जो काफ़ी सीनियोरिटी से काफ़ी सालों से हैं, तो उनको हम पत्रकारिता के बारे में भी बात करेंगे और अभी के राजनीतिक सवालों पे भी। नमस्कार राही जी। के नमस्कार। राही जी, एक तो आप अपने थोड़ा सा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में एज अ जर्नलिस्ट आप बता दीजिए कि महिला पत्रकार होना और इतने सीनियर पोजिशन पर होना, वो भी एक खास एक पूरी जर्नी होगी आपकी, उसके बारे में कुछ बताइए। बात ऐसी है कि एडिटर, महिला एडिटर होना मतलब जिनको बैकग्राउंड है वो लोग हो सकते हैं, लेकिन जिनको बैकग्राउंड नहीं है वो कैसे हुए। लेकिन एक बात है कि ऐसे भी महाराष्ट्र में लोग हैं कि जो आपका संघर्ष, आपका अभ्यास, आपका काम वो देखकर वो आपको बढ़ावा दे सकते हैं। मैं तो बोलूँगी कि मेरी शुरुआत ही लोकमत से है, वहाँ भी मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिला था, लेकिन आई वॉज वेटिंग फॉर बिकमिंग एडिटर वो दे, लेकिन वहाँ जल्दी नंबर नहीं आ रहा था, इसलिए इन लोगों ने ऑफर दिया और मैंने स्वीकार कर लिया। दिस वॉज अ चैलेंज टू मी, लेकिन फिर भी मैंने इसमें भी करके दिखाया। जो भी जिम्मेदारी अपने पर दी है वो पूरी जिम्मेदारी मैंने कराई है, तो इसके लिए आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब अपने में जो भी कुछ गुणवत्ता है तो उसका भी कोई अध्ययन करके अपने को प्रमोशंस देते हैं, ऐसा नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिस्करेज कभी नहीं होना चाहिए महिलाओं ने, कि जितना भी आप संघर्ष करके और अच्छा काम करके आगे आओ तो उसकी कदर करने वाले लोग भी है। तो पुण्या नगरी को आपने 7 लाख सर्कुलेशन तक करीबन पहुंचाया। हाँ। और आज महाराष्ट्र में वो नंबर 2 पे है लोकमत। हाँ। के बाद और कई शहरों में नंबर 1 पे भी है। हाँ। तो ये इसकी खासियत क्या है, पेपर की खासियत क्या? देखो, जिसे ये मासिस का पेपर है, मतलब सर्वसाधारण, बहुजन, दलित, पीड़ित, उपेक्षित, ऐसे जो लोग हैं उनकी समस्याओं को, बाकी मैं क्रिटिसाइज तो नहीं करूंगी, लेकिन उनका अपना जो काम का जरिया है वो अलग है। मतलब उनका जो पाठक है, उनके जो रीडर्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने वाली वो पत्रकारिता है। तो यहाँ हम लोगों ने ऐसा एक स्पॉट देखा कि इन लोगों को कोई नहीं है, जो उपेक्षित वर्ग है इनके, इसलिए हमारे यहाँ हम लोग क्या करते हैं, छोटी से छोटी भी न्यूज़ क्यों ना हो वो लोगों की वो देते हैं, और फिर उनका कहाँ तो भी मतलब उनको एक विश्वास हो गया है कि सारे वर्गों के लिए हमारे यहाँ स्थान मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है अखबार के लिए। तो इसलिए हमारा ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेशन जो है वो ग्रामीण महाराष्ट्र में ज्यादा बड़ा है। हमने हर बार सुना है, महाराष्ट्र में मैं जब घूमती हूँ तो यही सुनती हूँ कि ये एक अखबार है जो हर गांव में आपको कॉपी मिलेगी, सब तरफ मिलेगी। और चूंकि हमारे जो फाउंडर में एडिटर है जो मुरलीधर बाबा शिंगोटे करके, तो वो पहले न्यूज़पेपर एजेंट थे, पेपर बेचते थे, कि उन्होंने खुद ही वो पेपर शुरू किया हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, इनको डिस्ट्रीब्यूशन का बादशाह भी बोला जाता है, मतलब अन्य पेपर वाले लोग भी इनको डिस्ट्रीब्यूशन का बादशाह है करके बोलते हैं, वितरण का बादशाह। तो इस तरह से मतलब उन्होंने बहुत ही पेपर बढ़ाया है और एक विश्वास लोगों में आया है कि ये अपना पेपर है। आपको लगता है आज की पत्रकारिता में कुछ जमीर नहीं रहा, कुछ दिल नहीं रहा, कुछ कॉन्शियंस नहीं रहा? बार बार हम गालियां सुनते हैं पत्रकार की, गोली मीडिया है, बिकी हुई मीडिया है, सरकार की तरफ झुक रही है। नहीं नहीं, ये तो बात सही है, क्योंकि आजकल हम एक्चुअली जब देखते हैं तो कोई स्पेस जो दूसरे विचारों के लोग होंगे, मतलब जो आपको सीधे बात करते हैं कि सत्ता में जो है तो वो लोगों के खिलाफ बोलेंगे, तो फिर आपको उतनी स्पेस नहीं मिलेगी।
जितना कि सत्ता पक्ष वाले लोगों को न्यूज़पेपर में हो या चैनलों में हो जो स्पेस मिलती है वो अपोजिशन लोगों को नहीं मिलती है। तो ये जो भी कुछ है न्यूज़पेपर हो या चैनल्स हो, इन्होंने ये इतना सरेंडर क्यों किया है? क्योंकि इसके पीछे फाइनेंशियल क्राइसिस भी है। वैसे तो इन लोगों ने आते ही, अभी महाराष्ट्र का उदाहरण लेंगे तो यहाँ पहले गवर्नमेंट की एड्स सारी मिलती थी, लेकिन अभी क्या हो गया है कि एक एड एक डिपार्टमेंट की अगर आज के दिन मिली तो वही मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मतलब साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन दो डिपार्टमेंट का कुछ है तो एक ही डिपार्टमेंट की मिलेगी, पहले ऐसे नहीं था। तो इसलिए ऐसा रिस्ट्रिक्शन सब आ गया है, इसलिए भी कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है चैनल्स और मीडिया को एज ए होल। तो और रिस्ट्रिक्शन फिर आ गया तो फिर ये डर भी होता है कि फिर हम लोग ज़्यादा ही अपोज में जाएंगे तो वो भी नहीं मिले, ऐसे भी हो सकता है। और हमारे जैसा लो बजट पेपर हो तो हमको ज़्यादा ही फिक्र करनी पड़ती है। लेकिन एक बात हमारे यहाँ अच्छी है कि हम लोगों को फिर भी फ्रीडम है, मतलब लोगों की समस्याएं रखने का हमको फ्रीडम है। हमेशा हर रोज़ भी कितनी भी समस्या दो, हमारा फ्रीडम है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का ही सब उसमें ले लो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ओवरऑल मैं जब देखती हूँ अभी पर्टिकुलरली चैनल्स, और महाराष्ट्र में न्यूज़पेपर की स्थिति बहुत ही अच्छी है, मैं तो बोलूँगी कंपेयर टू अदर स्टेट्स। हाँ, क्योंकि वहाँ पर इतना नहीं है, मतलब अभी उत्तर प्रदेश में जाके देखो तो हिंदी अखबार देखो तो ये एकदम वन साइडेड लगते हैं, वैसा महाराष्ट्र में कम से कम है नहीं। अभी तक हम लोगों ने हमारी परंपरा जागती रखी है, वो एक बात है। लेकिन चैनल्स अगर देखो तो सारे गवर्नमेंट चैनल्स ही है ऐसा लगता है। तो सबके चैनल्स का हालत वैसे है, दो चार चैनल हमारे यहाँ भी ऐसे है, लेकिन उनका भी सारा देकर फिर भी वो अपोजिशन का भी वॉइस रखते हैं कि जो नेशनल चैनल्स पे नहीं है, बहुत ही मतलब वन साइडेड लगते हैं मुझे तो। अभी थोड़ा इलेक्शंस की बात करेंगे राय जी के साथ। ये जो 2019 का लोकसभा चुनाव आ रहा है उसको कई लोग कई आवाज़ों में ये कह रहे हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक एक चुनाव है, बहुत ही अहम चुनाव है। तो ये जो आने वाले अभी चुनाव तो महाराष्ट्र में तो अभी 11 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा और काफ़ी तेज़ी से सब, और महाराष्ट्र तो सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट अगर सीट का हिसाब आप देख लें, तो आप ये चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं एज ए जनरल सीनियर जनरल? एक्चुअली इसको जब ऐतिहासिक बोला जाता है तो वो सच मुझे ऐतिहासिक है, जैसे कि आपने टर्म यूज़ की है ऐतिहासिक, तो वो है ही। क्योंकि क्या हुआ है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें, संविधान अगर देखें, तो संविधान के बराबर उल्टा ही काम चल रहा है। तो इसके लिए वो ज़्यादा अहम बन जाता है, क्योंकि संविधान में जो बताया है वो सर्वधर्म समभाव बताया है, और सबको समानता, सबको सेम उसके अधिकार मिले हैं। लेकिन यहाँ जब देखा जाए तो सब अधिकार गवर्नमेंट के पास केंद्रित हुए हैं, तो ये एक बात है। और कैसा है कि ये लोग बहुत एग्रेसिव प्रचार कर रहे हैं, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों को सोचने की फुर्सत ही नहीं मिल रही है, जो मैस्मराइज हिप्नोटाइज किया है लोगों को, ऐसे लगता है कि देखो ऐसा है कि नहीं वो आपसे ही लेते हैं। हाँ है, क्या है उसको सोचने तो दो कि भाई मैंने ये सवाल किया है, आपको पता होगा कि कौन करते हैं सवाल प्रचार सभा में, तो सवाल जब होते हैं तो उनको सोचने को तो टाइम दे दो, वो नहीं मिलता है। और क्या है, सारा सार कभी कभी ऐसे लगता है कि ये जो कुछ प्रचार जिस तरह से हो रहा है, तो राइटली कहा जाता है कि जुमलेबाजी है, तो वैसे जुमलेबाजी तो नज़र आती है, क्योंकि वी जर्नलिस्ट कैन प्रूव इट आल्सो।
कि कैसे कैसे जुमलेबाजी होती है। मतलब अभी तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बताओ तो ये बोलेंगे इतना इतना है, और लेकिन पूरे फिंच से लेके सारे क्रेडिट का ये बताने वाली कंपनियां जो है वो लोग विरोध करेंगे आपका, और खुद रिजर्व बैंक का गवर्नर विरोध करेगा, फिर भी आप बोलेंगे नहीं हमारा ही सही है। लेकिन लोगों को ये पता सोचने के लिए वक्त नहीं है कि मतलब ये जो बता रहे हैं वो इन्होंने मनमोहन सिंह के समय पे जो भी कुछ उसके निकष थे तो उन्होंने उसको चेंज किया हुआ है, और आधार को चेंज किया। हाँ, पूरे आधार को चेंज करके दिखा रहे हैं। और फिंच बोलते ये बोलेंगे कि 7% है ग्रोथ रेट, और फिर जैसे इंटरनेशनली अप्रूव्ड कंपनी भी बोलेगी कि ये 6.8 कम होते जा रहा है। हर एक चीज़ में मतलब इस तरह से ये हो रहा है, इसलिए कुछ लोग बेरोजगारी को लेके तो इतना हो रहा है। अभी मोदी जी क्या बोलते हैं डायरेक्ट सभा में, वो बोलते हैं कि रोजगार मिले हैं कहाँ से, तो हमने उनको ये जो बाकी का सारा स्टैंड अप वगैरह जो किया है इन्होंने, तो उसमें से उनको रोजगार उन्होंने अपना खुद का स्वयं रोजगार किया है और उसमें से लोगों को रोजगार मिला। किसको मिला है, किसको मिला, किसी को भी मिला नहीं है। और लोग जिधर उधर मोर्चे निकाल रहे हैं, स्टूडेंट्स पता नहीं क्या क्या, इनकी इतनी तकलीफें बढ़ गई है, तो रोजगार बिल्कुल ही नहीं है। मतलब हम लोग भी देखते हैं अभी कि कितनी बेकारी है, कैसे लोग हमारे पास भी आते हैं, सबके मोर्चे निकालते हैं, क्यों निदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, क्या क्या करते हैं, हमारे यहाँ प्रेस रिलीजेस भेजते हैं, हम थोड़ा सा न्यूज़ दे देते हैं, लेकिन उसका आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और पहले से अभी तो रोजगार का प्रश्न बहुत बड़ा हुआ है, और मुझे तो लगता है कि ये एक दिन सब पलटवार इसका होने वाला है, रिएक्शन तो आएगा इसका, क्योंकि ये रोजगार ही सबसे ये चीज है, लोगों की जरूरत की चीज है। राय जी, 14 फरवरी को जैसे मतलब ये सब मुद्दे हो रहे थे, मुद्दे देश भर में डिस्कस हो रहे थे, जैसे कि आपने बोला आर्थिक व्यवस्था के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, बंबई जैसे शहर में किसान आते हैं 2-3 बार लेफ्ट के मोर्चे लाकर, तो ये सब सवाल 3-4 साल से उठ रहे हैं। मगर 14 फरवरी को पुलवामा में हमारे 44 या 45 CRPF जवान पे आतंकवादी हमला होता है, जब वो जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं, और 78 मतलब उनकी बसेस के ऊपर बहुत भयानक एक हमला होता है, और सबको दुख होता है, सबसे बहुत बड़ा अफसोस होता है, किसी को अच्छा नहीं लगता कि हमारे फौजी नौजवान को इस तरह हो। और उसके बाद वो पुलवामा का अटैक होता है और पूरा एक नैरेटिव बदलने की कोशिश होती है, तो आप एक ऐसा एक अखबार निकालते हैं जो बिल्कुल मतलब ज़मीन तक पहुँचता है, तो ये बालाकोट और पुलवामा का जो हुआ 14 फरवरी के बाद, इसका कितना असर पड़ा लोगों के दिमाग में? एक्चुअली लोगों को एक बात तो ऐसे लगा कि वह अटैक तो हो ही गया है, तो उसकी चिंता हर एक को तो हो गई है, उनको लगा कि अभी यहाँ हो गया कहीं भी हो सकता है, सही है, ऐसे लोगों में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हुआ है निर्माण, तो वो सिक्योरिटी की जो भावना लोगों में हुई है तो वो उसका कैपिटल करके उसका उपयोग करने का ये इनके दिमाग से आ गया गवर्नमेंट के लगता है, इसलिए उन्होंने वो बालाकोट किया। और बालाकोट के बारे में फिर कितने दहशतवादी गए, कितना क्या गया, इसके ऊपर पूरा सवाल उठने लगा, तो वहाँ तो किसी ने कुछ भी नहीं देखा, तो इसके लिए शायद ही लोगों को लगता है कि कुछ भी तो देखा नहीं है, कितने मारे, कितने क्या हो गए। अभी कोई शुरू में बोले 350 मारे, 300 मारे, ये किया, ऐसा सब मतलब आर्मी के लोगों ने बताने के बजाय ये गवर्नमेंट के लोग ही बोल रहे हैं कि इतने मारे उतने मारे करके। अभी एक बात बताती हूँ कि इन्होंने पहले एक सर्वे किया था पूरा कश्मीर वगैरह इसमें, तो उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे था कि वहाँ कितने अतिरेकी है, तो कुल मिला के 200 आए थे, फिर 300 350 कैसे मारे, तो इस तरह से मतलब 500 मारे,
अभी तक के 500 मारे अगर अपने अपने यहाँ के मतलब वो दूसरों के पाकिस्तान में घुसकर मारे वगैरह वो बात अलग है, वो इनकी बात अलग है, लेकिन यहाँ का यहाँ कश्मीर वगैरह इंडिया में कितने हैं तो 200 है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो 500 कैसे मारे फिर, लेकिन सवाल पूछना ही नहीं है। तो ये जो सारी बातें हैं, इसका खेती के बारे में भी उन्होंने वही किया है सारा, उनको तो वो स्वामीनाथन का हम कर रहे कर रहे कर रहे कुछ नहीं मिल रहा है, आत्महत्याएं हो रही है ज़्यादा हो रही है, उसका कोई दखल अंदाज नहीं कर रहा है। तो इस तरह से मतलब हर एक जो जिससे बहुजन और लोअर क्लास के कास्ट के लोग प्रभावित हो, इस तरह के सारे अच्छे निर्णय लेने का इन्होंने बंदी कर दिया है। युवकों के बहुत हमला, स्कॉलरशिप्स बंद कर दी, स्कॉलरशिप्स बंद कर दी सब, मतलब उनके बारे में, और वहाँ तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। अच्छा, वो सारी वहाँ की बातें हैं, और इन लोगों ने क्या किया, इनका थ्रस्ट है मध्यम वर्ग, हाँ ये मिडिल क्लास पे, क्योंकि ये उनके वोटर्स हैं, और इनके लिए फिर इनकम टैक्स का लिमिट बढ़ाओ, इनको सेवन कमीशन का पे कमीशन दे दो, और ये सारा इनका करते हैं। और खुद प्रधानमंत्री जी कितने बार अपने भाषण में बोलते हैं कि हमने मध्यम वर्ग को ऐसा किया, हमने मध्यम वर्ग को ऐसा किया, अरे लेकिन बाकी के वर्गों को क्या किया वो भी कभी कभी बता दो। वो नहीं होता है। ये इलेक्शन में महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है, जिस तरह का समीकरण हो रहा है राजनीति, आपको क्या लग रहा है कि हाँ, तो अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये सारे गोर गरीब बहुजनों के जो सारे मुद्दे हैं, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का जितना होना चाहिए थे उतना तो कुछ हुआ नहीं है। बोलने के लिए पेपर में सब कुछ है लेकिन नहीं हो रहा है। दो तीन साल तो उन्होंने मनरेगा को ही बंद करने की कोशिश हो रही है, उसके बाद मजबूरन दोबारा शुरू किया, फिर पैसे नहीं दिए, बहुत सारी चीजें हुई। हाँ, इसलिए, और दूसरी बात क्या है ना कि इधर पे सारा नेशनलिज्म, धर्म, हिंदू राष्ट्र करना है, हिंदू राष्ट्र करना है तो ये संविधान कैसा रखेंगे आप? हिंदू राष्ट्र अगर करना है तो फिर संविधान नहीं हो सकता है ना, इसलिए संविधान जलाया गया ना कई बार 4 साल। संविधान दिल्ली में उधर ये मनुवाद का जय जयकार करके, मैं वो टाइम पे मैं दिल्ली में ही थी, मैंने वो सारा देखा है कि वो पूरा संसद की तरफ हम लोग जाते हैं उधर ही हुआ है, मतलब जंतर मंतर पे भी नहीं, वो एकदम। और हमने तो नहीं सुना कि कोई केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री ने उसका निषेध किया, किसी ने भी निषेध नहीं किया है, लेकिन वो किया उधर, मतलब इतनी हिम्मत, वो कैसे आ गई कि संविधान जला दो, और कितनी मतलब बुरी बात है। तुम लोग फिर वो नाटक करते हैं कि इनको पकड़ के लेके गए, उनको पकड़ के लेके गए, लेकिन पकड़ के लेके जिनको जाते हैं उनके ऊपर क्या होता है, उनका टाइम पे उनके ऊपर आरोप पत्र होता है कि नहीं होता है, वो भी बात है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे दाभोलकर, पानसरे, ये लोगों के सारे हत्या हो गए, गौरी लंकेश जैसे लोगों की जब हत्या होती है तो कुछ कुछ लोगों को इधर उधर से पकड़ के लेके जाते हैं, लेकिन आगे क्या होता है, कुछ भी तो नहीं होता है। तो मतलब ये सारी बातें जो है कि गोर गरीबों के ऊपर और लो कास्ट लो क्लास लोगों के लिए इस गवर्नमेंट के पास सचमुच मतलब समाधान कारक ऐसा देने के लिए कुछ है ही नहीं। इलेक्शन में क्या, इसलिए ये इलेक्शन ऐतिहासिक कहा जाता है कि ऐसा गवर्नमेंट हमको चाहिए क्या? तो जो सर्वसमावेशकता जिसमें है नहीं है, तो ऐसे गवर्नमेंट को कैसा करें, मतलब आगे चल के तो फिर वो तो संविधान बदल ही देंगे बिल्कुल, और ऐसा जो एक बार इन्होंने ये प्रयोग किया हुआ था जब अटल बिहारी खुद धर्मनिरपेक्षता की बात करके गवर्नमेंट में मतलब सब लोगों का माइनॉरिटी मिलावट गवर्नमेंट जो आई थी वो टाइम भी, अभी मोदी जी बोलते हैं ये दूसरों के मिलावट हो गई है, कड़े सबसे बड़ी मिलावट आ गाड़ी ऐसा कुछ बोलते हैं, तो इनकी भी तो मिलावट हो गई है,
इन्होंने भी 50 या कुछ लोगों को एक साथ लिया है अपने छोटे 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 सारी संस्थाएं सबको इन्होंने भी लिया है। तो अभी मतलब इनको इनको नैतिक अधिकार है नहीं कि इनको मिलावट बोलने का, वो एक बात। हमको किसी के पत्रकार है किसी की साइड नहीं लेनी है, लेकिन एक्चुअली जो रैशनली अगर आप सोचो तो फिर गोर गरीब जनता, उपेक्षित पीड़ित जनता, इनके लिए क्या है प्रोग्राम और इनके लिए बजट में क्या है, बजट वहाँ पहुँचता है कि नहीं? पहुँचता तो है ही नहीं, लेकिन बजट एलोकेशन है कि नहीं, वो भी तो है नहीं ना। मतलब सबसे शिक्षा पे सबसे कम है, हेल्थ पे सबसे कम है, तो इस तरह से थोड़ी ना चलता है। और हेल्थ शिक्षा ये सारी चीजें तो गोर गरीबों के लिए चाहिए उनको, तो वो नहीं होता है। तो इसीलिए ये ऐतिहासिक इलेक्शन बनता है कि लोगों ने सोच समझ के वोटिंग करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग अभी महाराष्ट्र में भी इसी पर ज्यादा जोर देते हैं कि सोच समझ के करो, अपने को फायदे की है कि नहीं गवर्नमेंट, इस तरह का सोच करके ही वोटिंग करना चाहिए, ऐसा मैं बोलती हूँ। अभी महाराष्ट्र के बारे में जब हम लोग आए हैं तो एक बात तो अच्छी हो गई कि कांग्रेस और एनसीपी यहाँ पर एक साथ में आ गए। यहाँ शुरू में वो लास्ट इलेक्शन में तो उन्होंने बहुत एक दूसरे को ये किया था, लेकिन ये इस बार वो लोग एक साथ आए हैं। और ये लोग एक साथ आए करके शिवसेना बीजेपी भी एक साथ आए और कल तक गालियां देने वाले, वो कल तक मोदी चौकीदार चोर है करके हेडिंग देके अग्रलेख लिखने वाले, हाँ अब एकदम वो मोदी एकदम अच्छे हो गए हैं। तो लोग ये भी तो समझते हैं कि ये क्या जुमलेबाजी इसी को बोलते हैं, मोदी जी को जुमलेबाजी कर करके इतना कोसा था अग्रलेख में, लेकिन अभी ये इसको जुमलेबाजी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो ये भी हो रहा है यहाँ पर। और दूसरी बात, ये जो राजू शेट्टी होंगे, उनकी स्वाभिमान संगठना होगी, ये लोग भी ये इनके साथ आए हुए हैं। लेकिन क्या है, यहाँ का एक जो रूलिंग पार्टी में दैट इज मराठा डोमिनेटेड है, और दूसरी बात ये लोग थोड़े से मतलब इनकी सारी संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव्स सब सारा इनके हाथ में है, तो इनको कोई आइडियोलॉजी से कोई मतलब है नहीं। इनको ऐसे लगता है कि अपना बचा के रखो, चाहे कोई भी आ जाए, इस तरह से होता है। और हवा कहाँ से, हवा का रुख कहाँ से है, तो उधर वो जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने, उनको ऐसे लगा क्योंकि इनका प्रचार देख के, इनका प्रचार इतना एग्रेसिव और जोर शोर से है, और राष्ट्रवाद की, तुम्हारे अपने सुरक्षा की, दहशतवादियों से सुरक्षा हम ही देने वाले हैं और कोई नहीं है दुनिया में देने वाला इसका ये सारा उपयोग कर ले रहे हैं। और इसलिए वो लोगों को ऐसा लगता है कि इन्हीं का गवर्नमेंट आएगा, इसलिए ये इधर उधर भागदौड़ शुरू है इन लोगों की। ज़्यादातर लोग वहाँ जाके ये एक तरह से वो अच्छा है, क्योंकि जिनको घराने शाही पता नहीं क्या क्या वो बोले थे, तो वो सारा इनके पास गया है अभी। तो इनके लिए जो भी बुरा कहा जाता था वो सारा इनके ऊपर धब्बा लग गया है, लेकिन उससे प्रश्न नहीं मिटते। उसमें इलेक्शन में फर्क पड़ेगा क्या? इलेक्शन में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि क्या है, इनके सारी संस्थाएं हैं, लोगों को ओबलाइज किया हुआ होता है, लोगों को रोजगार उनके यहाँ मिलता है, एक एक के तीन तीन शुगर फैक्ट्रीज है, तो फिर वहाँ पे एक एक लाख लोग काम करते हैं, तो वो सारा अपना ब्रेड एंड बटर का सवाल रहता है, इसलिए लोग उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसमें इस बार और एक ऐसी बात हुई है कि ये प्रकाश अम्बेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी उन्होंने स्थापित की है, तो लेकिन और उनको रिस्पांस भी मिल रहा है, मतलब भीमा कोरेगा वगैरह वो सारा जो सेंटिमेंटल बात हुई है, तो उसका फायदा लेकर कि इन्होंने उस टाइम प्रकाश जी ने संभाजी भिड़े के अगेंस्ट, मनोहर भिड़े, तो उनके अगेंस्ट पे सारा माहौल किया हुआ था, तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे।
तो इसलिए उनको रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है, मैंने लिखा भी था कि आज ये ऐसा ऐतिहासिक इलेक्शन है कि अगर आप चाहते हैं कि संविधान बचे तो फिर आपने ये सारे धर्मनिरपेक्षतावादी जो भी पार्टीज है वो सारे पार्टियों ने एक साथ आना चाहिए और इन्होंने भी उनके साथ जाना चाहिए, ऐसे एक लगता था। और वो मेरा शुरू से ये है, मैं हमेशा ये मुद्दा हाईलाइट करती हूँ कि अगर आपको संविधान बचा है, मैं लोकशाही में सबसे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, आई डोंट नो कि किसका गवर्नमेंट क्या गवर्नमेंट, लेकिन लोकशाही में अगर आप एक ही धर्म का और एक ही जाति का पकड़ के बैठो तो वो नहीं चलेगा। तो इसलिए अगर संविधान के मुताबिक आपको चलना है तो फिर आप सब लोगों ने धर्मनिरपेक्षतावादी सेकुलर फोर्सेस ऑल सेकुलर फोर्सेस शुड कम टुगेदर। आए नहीं ना, आए नहीं है, आए नहीं है, तो इसका सीधा सीधा फायदा वो बीजेपी को और सेना को जा सकता है। लेकिन फिर भी कैसा है कि उतना वोटिंग भी होना चाहिए उसी एरिया से। अभी समझो ये सारे लोग तुम्हारे मीटिंग में आ गए, पब्लिक मीटिंग में सब तरफ से आ गए, लेकिन उस एरिया में वोटिंग करने वाले कितने हैं वो भी तो देखना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो प्रकाश अंबेडकर अगर सेकुलर फोर्सेस के साथ जाते थे तो इनकी बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी भी उनके हिस्से में सीट्स आती थी वो चुन के लाते थे, क्योंकि इन लोगों का पूरा के पूरा सपोर्ट उनको मिलता था। लेकिन अभी नहीं मिलने वाला है। कुछ जगह, कुछ जहाँ पर ये वंचित बहुजन दलित ज़्यादा संख्या में है तो वहाँ पे उनकी एक दो सीट शायद आएगी भी ना, ऐसे नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिर जितना उनको सक्सेस मिलता था अगर वो साथ में गए थे तो उतना तो नहीं मिलने वाला है ऐसा लगता है। क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने ऐसा प्रयोग किया था कि बहुजन महासंघ उनका था, उसका लॉस ऐसा है कि फिर वहाँ से सेकुलर फोर्स का उम्मीदवार नहीं आया और वहाँ से ऐसा इनका बैक रिकॉर्ड है, इसलिए इनके ऊपर एलिगेशन भी होते हैं कि वो इनडायरेक्टली बीजेपी को हेल्प करते हैं। बीजेपी को लास्ट टाइम एक स्टनिंग विक्ट्री मिली थी महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र एक ट्रेडिशनल कांग्रेस का बैस्टियन, एनसीपी कांग्रेस का बैस्टियन माना जाता है, तो 48 सीट्स में से 42 मिली थी बीजेपी को, जैसे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, उसके बाद महाराष्ट्र में 48 है। तो इस बार आप कुछ प्रेडिक्शंस करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे एज जर्नलिस्ट? कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कांग्रेस एनसीपी को एकदम ही कुछ नहीं मिलेगा ऐसी बात है नहीं, क्योंकि क्या नेता है उनका सब स्टांस अलग रहता है और वोटर्स अलग रहते हैं, तो इसलिए एकदम ही कुछ नहीं मिलेगा। दोनों एक साथ आए तो इसका फर्क पड़ता ही है और फायदा होता ही है। तो इनको 20 से 25 तक की दोनों साथ मिल सकते हैं, दोनों साथ में एनसीपी को थोड़ा कम मिला, कांग्रेस को थोड़ा ज्यादा, या कांग्रेस को कम मिला एनसीपी को ज्यादा। इस बार एनसीपी बहुत एग्रेसिव है, कांग्रेस में तो ये अशोक चौहान प्रदेशाध्यक्ष जो है वो ऐसा लग रहा है उनके तरफ देख के कि उन्होंने हार मानी है कि क्या, मतलब इस तरह से। लेकिन लोगों का जो यहाँ का वोटिंग पैटर्न रहता है वो अलग है, और नेताओं का कुछ भी होने दो, इनको जितना देना है लोगों को देते हैं। एक बात ध्यान में लेना, ये इसलिए मैं इस तरह से बोलती हूँ क्योंकि जो मतलब 42 या कुछ सीट्स, इन लोगों को जो 42 सीट्स मिली थी लास्ट टाइम 2014 में, तो वो मोदी का वेव ही चल रहा था सब तरफ से, तभी मिली थी। लेकिन उसके बाद हुई विधानसभा में इनको फुल मेजोरिटी किधर नहीं मिली, 122 सीट्स मिले इनको, तो 121-122 तो मिलना चाहिए था ना, 3 महीने के बाद ही उसी दरमियान ये इलेक्शन था, तो मिलना चाहिए था इनको, नहीं मिला है। इसका मतलब क्या है, मतलब उस इतनी बड़ी वेव में अगर नहीं मिलता है तो फिर अभी इनको थोड़ा तो भी इनका सपोर्ट कम होगा मिल सकता। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि हिंदू का संगठन हो रहा है इधर पे,
हिंदू राष्ट्र, हिंदू नेशनलिज्म वगैरह जो हो रहा है, तो उसमें उसी तरह से मतलब इधर कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत हो रहा है महाराष्ट्र में भी और बाहर भी सब तरफ। मतलब दलित महिलाओं के ऊपर के अत्याचार बढ़ गए हैं, इनके ऊपर के बलात्कार बढ़ गए हैं, हिंसा बढ़ हिंसा बढ़ गई है। और वो जो क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट आता है, तो वो क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट 2016 से उन्होंने डिक्लेयर किया ही नहीं है। कहाँ पे किया ही नहीं है कि कितना हुआ है, कितने केसेस हुए हैं जो हर साल आता है एनसीआरबी का। हाँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का 2016 तक के बाद वो स्टेटिस्टिक्स दे ही नहीं रहे। मतलब अभी कैसा है मालूम, ये नहीं देख, छुपा के रखने वाली बातें कर रहे हैं, तो ये भी कुछ ठीक नहीं है ना, ये डेमोक्रेसी के लिए। वो छुपा के रखने वाले हैं, रख रहे हैं, छुपा के रख रहे हैं। दूसरी बात, वो क्या कर रहे हैं कि वो बजट जो होता है, वो बजट का, बजट के पहले अपने को जो इकोनॉमिक सर्वे मिलता है, वो सर्वे ही उन्होंने दिया नहीं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी दिया नहीं। ये प्रक्रिया ही गलत है, ये प्रक्रिया ही गलत है। चाहे सरकार किसे ही की भी हो, अगर लोगों का हक है ना ये सब जानने का, तो वो भी दिया नहीं है, छुपा के रखा है। तो इस तरह से मतलब जो ग्रोथ रेट बोलते हैं हमारा बहुत बढ़ गया है, वो भी कुछ तो भी जंबल करके दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर करना है ठीक तरह से, तो वो संविधान के मुताबिक इन्होंने काम करना चाहिए। अगर भी वो आए या ना आए बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आए तो संविधान के मुताबिक काम करना है। लेकिन आए तो अभी लास्ट टाइम जैसे मेजॉरिटी से नहीं आने वाले, लास्ट टाइम भी थंपिंग मेजॉरिटी नहीं मिली थी इन स्पाइट ऑफ द वेव, थंपिंग मेजॉरिटी थी नहीं, और इस बार तो फिर वो वेव है ही नहीं। इसलिए देश की सुरक्षितता वगैरह के मुद्दे उठाए हुए हैं, लेकिन ये मुद्दे जो चलेंगे वो मिडिल क्लास में ही चलेंगे, और इनका पूरा थ्रस्ट मिडिल क्लास ही है, तो जगह तो इनकी कम होने ही वाली है। सब लोगों को मिलाकर ही मिलावट की गवर्नमेंट आने वाली है, अगर आई तो बोल नहीं सकते हैं। तो इस तरह से छिपा के रखने वाली जो बात है ना, वो हुकुमशाही में चलेगी, वो डिक्टेटरशिप में चलेगी, वो संविधान और डेमोक्रेसी में नहीं चलेगी। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। शुक्रिया।